तुम्हारे इन मगरमच्छ के आंसुओं को देखकर गजराज ठाकुर का दिल नहीं पसीजेगा। अगर तुमने गलती की है तो सजा जरूर मिलेगी। ठाकुर साहब, इस पर गलत इल्जाम लगा है। आप तो मुझे जानते हैं, जिंदगी में कभी कोई गलत काम नहीं किया मैंने। ये तो मेरा ही भाई है, एक ही माँ के पेट से पैदा हुए हैं हम। रावण और विभीषण भी तो एक ही माँ के पेट से पैदा हुए थे। ये तुम्हारा भाई है तो ये जरूरी नहीं कि ये गलती नहीं कर सकता। ठाकुर साहब, क्षमा कर दीजिए। पहली बार क्षमा करने का मतलब है दूसरी बार गलती करने का मौका देना, यही ना मुनीम जी? हाँ मालिक, 100%। कल पंचायत में फैसला होगा। ठाकुर साहब, एक बार और सोचिए। गजराज ठाकुर ने एक बार कहा तो समझ लेना 100 बार कहा। लेकिन मालिक, क्या बात है मुनीम जी? नमस्कार ठाकुर साहब। राम राम। मालिक, ये आपसे मिलने आए हैं। मालिक, हमारे हरिजन पाड़ा में आग लग गई, हमारा सब कुछ जलकर राख हो गया। ये तो बड़ी दुखी बात है मुनीम जी। इन्हें जितना अनाज, कपड़ा और घर बनाने का सामान चाहिए दे दीजिए। जी मालिक, धन्यवाद मालिक। राम राम। राम राम मालिक। हमारे रामपुर गाँव में हमने गरीब बच्चों के लिए एक स्कूल खोला है, आपकी मदद चाहिए। बहुत अच्छा काम किया मुनीम जी। जी। स्कूल के बच्चों के लिए दोपहर का खाना, दूध, किताब, सब चीजों का इंतजाम कर दीजिए। जी धन्यवाद मालिक। आइए। अरे मुनु आ रहे है। धनराज जी। बाबूजी, तुम्हारी बुआ आ रहे है, उनके बेटे का इंतजाम कराओ। जी बाबूजी। ठीक है ठीक है, जाओ। आओ बहन, आओ आओ। भैया नमस्ते। बुआ जी, बैठो। खुश रहो। क्या बात है, इतनी धूप है यहाँ? भैया भैया, वो कल पंचायत है। मालूम है। मुजरिम मेरा बेटा जगन्नाथ है। वो भी मालूम है। फैसला आप ही सुनाने वाले हैं। आप मेरे सगे भाई ना होते हुए भी मेरी परवरिश एक सगी बहन की तरह की, मेरी डोली को कांधा दिया और एक माँ बनकर मेरी गोद भराई की रसम पूरी करके आपने मेरी झोली खुशियों से भर दी। आज उन सारी खुशियों का दारोमदार आपके फैसले पर है भैया।